अभी हम आए हैं सेंटर से, आश्रम से आए हैं अपने, और सारा सामान ये सब जो भी काम है सब सब्जी दूध लेके आना। और अभी सीमा की फरमाइश हुई है इडली और रसम की, आज मैं इसको इडली और रसम बना के खिलाऊंगी। बोल कैसी बनाती हूँ मैं? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया कह रही, बहुत अच्छी बनाती है। तो अब गर्मी इतनी है दिल भी नहीं कर रहा किचन में, पर वो बहुत जल्दी बन जाती है असल में। इडली रसम बहुत जल्दी बनती है और बहुत इजी भी है। मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ पहले शेयर की हुई है, उसे आप जाके देख सकते हो। सबसे इजी, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं दोनों चीज़ें बनाने में हमें, तो आज मैं वही बनाऊंगी। और उससे मन बड़ा, क्योंकि इन दिनों में क्या है कि सब्जियों को मन नहीं कर रहा, घिया तोरिया। सीमा पेठा, सीमा का वैसे फेवरेट पेठा भी है, इसको बड़ा अच्छा लगता है पेठा, इसको रोज खिलाओ इसको रोज पेठा ही अच्छा लगता है। फिर क्या हो गया? अच्छा, तो आज ये कह रही कुछ चटपटा सा बना ले, मन साफ हो जाएगा, क्योंकि इन दिनों में क्या है कि सब्जियों को मन नहीं कर रहा बिल्कुल, घिया तोरी भिंडी अरवी वैसे ही बहुत कम खाते हैं, और बिल्कुल इन दिनों में मन नहीं कर रहा इन सब्जियों को बनाने का। तो उसे हम थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊंगी मैं आज, और वही मैं आपके साथ, वैसे मैंने उस शेयर की हुई है वो मैं शेयर नहीं करूँगी आपके साथ, सीधा आप खाते हुए देखोगे सीमा को अच्छा। एक और बात, आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ बोल दे भाई, लाइक करें शेयर। हाँ देखो आज सीमा भी कह रही है सब्सक्राइब। फिर ये सुबह से अपने डैडी की वेट कर रही है, इसे लग रहा है कि आज आएंगे, आई नहीं, रोज यहीं बैठी रहती है काफी देर तक। चला कौन है यहाँ क्यों बैठी है? आजा देख क्या कौन आया बाहर, जा डैडी जा रहे हैं। डैडी गए देख क्या, आवाज आ रही है ना डैडी की, जा रहे हैं डैडी, ढूंढ के ला। वो कमरे में देख रही तेरे पापा के कि आ तो नहीं गए डैडी, दो दिन हो गए हैं। पापा कहाँ हैं? नहीं दिख रहे? सेब लाए तेरे लिए, भाग के जा देख क्या सूंघ रही है। क्या हो गया स्टेला? हमारी उदास हो रही है क्योंकि दो दिन से वकील साहब गए हैं हरिद्वार ऋषिकेश, तब से ना कुछ खा रही है ना पी रही है, उन्हीं का वेट कर रही है, और अभी ग्रिल की तरफ बैठी है, बार बार जाके देखती है, इन्हें लग रहा है शायद आएंगे अभी आएंगे, तो सभी का वेट करती है, जब भी कोई जाता है तो ये बिल्कुल उदास हो जाती है। मेरे इडली और रसम बनकर रेडी हो चुकी है, अब हम लोग करेंगे डिनर। चलिए आप भी देखिए मैंने कैसे बनाई है और खाने में कैसी बहुत टेस्टी लगती है, आप भी ट्राई जरूर करें इसे। हमारा ये डिनर है और मैं सीमा स्वाति हम यही खाएंगे, आप इडली और रसम, टेस्टी रसम।